हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए फिर से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, शेयर पर चर्चा करते हैं। आप सभी देख रहे हैं NSEIndia.com वेबसाइट के नाम है। इस पर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर प्राइस 644 रुपया डाउनफॉल हुआ था पिछले डेट ट्रेडिंग डेट को, जो कि 4 तारीख था, जो कि लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट था, यानी कि काउंटिंग था वोटिंग का, जिसके वजह से लगभग सभी शेयरों में, इक्का दुक्का को छोड़ करके सभी शेयरों में डाउनफॉल आया था। उसी वजह से इस शेयर में भी डाउनफॉल हुआ है। कारण कि इन्वेस्टरों का ऐसा भी मानना था कि हो सकता है कि इसमें सरकार बदली हो जाए, यानी कि जो प्रेजेंट में सरकार चल रही थी वो चेंज हो जाएगी, इस वजह से डाउनफॉल हुआ है अधिकतर शेयरों में। बाकी आगे चलते हैं दोस्तों, इस शेयर में अभी भी 7044 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा हुआ है, सेल ऑर्डर, जो कि 649 रुपया 5 पैसा पे है। तो फिर से हो सकता है अगले ट्रेडिंग डे में, यानी कि 5 तारीख को, कि इसमें फिर से डाउनफॉल कुछ समय के लिए हो, लेकिन फिर से अप ट्रेंड बन जाएगी मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। बाकी इस शेयर में एक छोटी सी पॉइंट देखने को मिल रही है कि 31 मार्च 2024 जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो प्रमोटर के पास में तो सेम है जैसा था 31 दिसंबर 2023 को, वैसा ही 31 मार्च 2024 के अनुसार भी, लेकिन पब्लिक के पास में 0.01 बढ़ा है, जो कि 31 दिसंबर 2023 को 64.89% था, जो कि अब 64.90% हो गया है। कारण शेयर हेल्ड बाय एम्प्लाई ट्रस्ट, एम्प्लाइयों का ट्रस्ट थोड़ा सा इस शेयर के प्रति घटा है, वो भी पॉइंट में, जो कि 31 दिसंबर 2023 को 0.47 था, वही चेंज होकर के अब 0.46 हो गया है। ये कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, 4 जून 2024 1600 बजे का अपडेट है। BSEIndia.com वेबसाइट का नाम है। इस पर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर प्राइस 646 रुपया 85 पैसा, जो कि डाउन हुआ था पिछले ट्रेडिंग डे में 49.05 रुपीज़ परसेंटेज रहा था डाउन का, 7.05%। इस शेयर में अपडेट न्यूज 31/5/2024 का ही है लास्ट, जो कि कंप्लायंस रिगार्डिंग 39(3) डिटेल्स ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट से संबंधित है। बाकी उसके बाद में कोई भी अपडेट न्यूज है नहीं। इसमें लास्ट डिविडेंड जो एक्सपायरी डेट था वो 14/8/2023 का ही है, जो कि 3 रुपया था पर शेयर। देख सकते हैं इस वेबसाइट पर जो रिजल्ट शो हो रहा है मार्च 2024 का, तो रिवेन्यू जनरेट हुआ 22,140, ये सब मिलियंस में है, और नेट प्रॉफिट 1,412, और EPS 6.36 रुपया है। डिलीवरी पोजीशन ट्रेड डेट 4 जून 2024 1600 बजे का अपडेट, क्वांटिटी ट्रेडेड 429,439, जो कि BSE पर है, और डिलीवरी क्वांटिटी 93,000,
631, डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी पुअर समझा जाएगा इसको, 21.80% रहा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जो कि screener.in पर शो हो रहा है अभी। इसका मार्केट कैप 1,45,855 करोड़ का, स्टॉक पी 14.4, ROC 11.2% और ROE 10.1% है। करेंट प्राइस 649 रुपया, बुक वैल्यू 472 रुपया, अपने बुक वैल्यू से ऊपर में ट्रेड कर रही है अब ये शेयर। 52 वीक का हाई लो 715 रुपया और 407 रुपया। डिविडेंड यील्ड 0.46% है और फेस वैल्यू 1 रुपया है। 1 ईयर का प्राइस चार्ट देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें या तो कंसोलिडेट करेगा या अप ट्रेंड बनेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है, यानी कि इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। यहाँ पर जो शो हो रहा है प्रोज कुछ भी नहीं और कॉन्स एक है, क्या है तो कंपनी है जो लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। पीयर कंपैरिजन के मामले में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड नंबर 1 कंपनी है इस क्षेत्र का, जिसका कि करंट मार्केट प्राइस 649 रुपया यहाँ पर शो हो रहा है और पी 14.39 का है। तो पी एवरेज है मेरे आइडिया अनुसार। थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट पर ध्यान देंगे, मार्च 2024 के अनुसार सेल्स 55,994 करोड़ का, एक्सपेंस 49,314 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,680 करोड़ का, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से बेहतर रहा है, वही 6 क्वार्टर से। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% का है। अदर इनकम 362 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर के अपेक्षा काफ़ी बेहतर है अदर इनकम। और इंटरेस्ट 888 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 2,018 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,136 करोड़ का, टैक्स 23% और नेट प्रॉफिट 3,174 करोड़ का, जो कि पिछले 5 क्वार्टर से बेहतर है नेट प्रॉफिट, जिसकी वजह से इसका अर्निंग पर शेयर 14.12 रुपया है। तो ये रिजल्ट देखने से तो ऐसा समझ में आ जाना चाहिए कि फिर से इस शेयर में अप ट्रेंड बनेगी। प्रॉफिट एंड लॉस मार्च 2024 के अनुसार देखते हैं तो सेल्स 215,962 करोड़ का और एक्सपेंस 1,92,090 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23,872 करोड़ का, अदर इनकम 1,519 करोड़ का, इंटरेस्ट 3,858 करोड़ का, नेट प्रॉफिट जो कि सब चीज़ काट छाट करके 10,155 करोड़ का, और अर्निंग पर शेयर 45.19 रुपया। तो पिछले साल के अपेक्षा थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा रहा इसके रिजल्ट में। और डिविडेंड पे आउट किया यहाँ पर 8% का, जो कि शो हो रहा है। अब एक नज़र डालेंगे बैलेंस शीट पर। मार्च 2024 के अनुसार इक्विटी कैपिटल 222 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 1,05,924 करोड़ का हो चुका है, और वहीं पे ब्रोइंग भी 56,356 करोड़ का है, जो कि पिछले साल के अपेक्षा घटा है ब्रोइंग, यानी कि कर्ज घटा है। अदर लाइबिलिटीज 69,405 करोड़ का है, जो कि इसमें थोड़ा सा वृद्धि हुई है पिछले साल के अपेक्षा। फिक्स एसेट देखते हैं तो इसमें भी वृद्धि हुई है पिछले साल के अपेक्षा थोड़ा सा, जो कि अब वृद्धि होकर के 1,12,034 करोड़ का हो चुका है। और इन्वेस्टमेंट भी
थोड़ा सा अप हो करके 15,444 करोड़ का हो चुका है। टोटल एसेट 2,31,907 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जिसमें कि प्रमोटर का होल्डिंग है 34.65% का, FIH के पास में है 26.82% का, जो कि पिछले दिसंबर 2023 के क्वार्टर के अपेक्षा थोड़ा सा रुझान घटा है FIH का, और DIH का रुझान थोड़ा सा बढ़ा है, वो भी पॉइंट में बढ़ा है, जो कि अब बढ़ करके हो चुका है 25.64% का, और गवर्नमेंट के पास में सेम है पिछले क्वार्टर के मुकाबले 0.35% ही है, और पब्लिक के पास में 12.08% का हो चुका है, जो कि पब्लिक के पास में वृद्धि हुई है, अदर 0.46% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो इसमें भी मार्च 2024 में काफ़ी ज़्यादा रुझान आया है इन्वेस्टरों का, जो कि अब 6,41,541 हो चुका है इन्वेस्टरों की संख्या इस शेयर के प्रति, यानी कि इस शेयर में। यहाँ पर भी लास्ट अपडेट न्यूज़ है, वही डिटेल्स ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट एंड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट से संबंधित, जो कि 31 मई 2024 का है। ओवरऑल मेरे आइडिया अनुसार लास्ट में अगर ये देखते हैं तो मेरे समझ से अभी इस शेयर में बने रहने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करना चाहिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पज़, यानी कि जानकारी के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।